कबीर वो कैसे कहते, कबीर जिंदा रख जमीर जिंदा रख, बन जाए सुल्तान तो फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, कोशिश का तीर, हार जाए सबको जीतने की उम्मीद जिंदा रख। आपके अंदर ऐसे, और आप बोल रहे हो कैसे बोल रहे हैं, मैंने ये कोटेशन तब याद किए जब मैं स्विमिंग करता था 12 घंटे 10 घंटे स्विमिंग करना प्रैक्टिस में एक अपने आप में था, क्योंकि माइंड को बिजी रखना बहुत बड़ी बात होती है। हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं जब हम बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े महापुरुषों की, जिन्होंने जीवन में सफल हुए या असफल हुए उनके बारे में पढ़ेंगे तो हमें कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उनके जीवन में भी घट चुका है तब वो यहाँ तक पहुंचे, तो हमारे जीवन में घट जाए तो क्या बुरी बात है। तो सभी के जीवन में अगर इस तरीके से, मैं लास्ट में इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपने भविष्य का जो है लक्ष्य बनाइए, और आने वाले समय में जो आप ऐसे प्रकार के जब विचार सोचेंगे तो मैं कहता हूं कि आप अपने लिए तो प्रेरणा के स्रोत बनेंगे ही, दूसरों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत आप बनने का जब कार्य करेंगे, और मैं समझता हूं आप जरूर मेरी बातों से कुछ आपको मोटिवेशन मिलेगा, जरूर आपको प्रेरणा मिलेगी, और अपने जीवन में परिवर्तन करने के साथ साथ देश के परिवर्तन करने में आप सफल होंगे। और सपने देखिए, सपने करने का, हर किसी को देखने का एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है, हर किसी का अधिकार है, मगर सपना कभी साकार नहीं होते तो कभी निराशा के कारण बन जाते हैं, मगर कुछ करने की एक शक्ति होती है तो आपको रास्ता भी मिलेगा, आपको मंजिल भी मिलेगी, वो आपको साथ देने वाले मिलेंगे, क्योंकि घर से लेकर कोई नहीं आता। अब अगर मंजिल में आप चलोगे, जब चलते जाओगे अकेला निकल, वो किसी ने कहा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, कि निकला था तो अकेला, लोग मिलते गए, कारवा बढ़ता गया, अगर आप निकलिए घर से आपको लोग मिलते जाएंगे, आपका कारवा बढ़ता जाएगा, कारवा के साथ साथ आप दूसरों के लिए प्रेरणा का कार्य करेंगे, देश के पहले देश हित के सोचेंगे तो आपके अंदर कुछ परिवर्तन आएगा। इसीलिए ऐसे आशा और विश्वास के साथ आपको आने वाली परीक्षाओं, आने वाले भविष्य के लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आशा ही नहीं विश्वास से कहता हूं कि आप अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन करने के साथ साथ दूसरों के जीवन में परिवर्तन करने के, इसी आशा और विश्वास के साथ मेरे को यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के माध्यम से और साक्षी जी के माध्यम से यहाँ उपस्थित होने का मौका मिला, और सभी स्टाफ ने अच्छे धैर्य पूर्वक मेरे को सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम आगे भी आयोजित करते रहेंगे जिसके अंदर ऐसे छात्रों में परिवर्तनशील विचार आएंगे, क्योंकि मैं लास्ट में एक ही कविता के माध्यम